व्हाट्स अप गेमर्स, कैसे हो आप सब लोग। और हम वापस आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ में। और आज की वीडियो होने वाली है हीरो टैलेंट्स के बारे में। और हाँ, मैं जानता हूँ कि काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ रही है क्योंकि जो मेरा माइक्रोफोन है वो ख़राब हो गया है और जिस तरह के हालात अभी चल रहे हैं तो मुझे कोई दूसरा माइक्रोफोन अभी मिल भी नहीं रहा है। तो ख़राब ऑडियो क्वालिटी के लिए मुझे माफ़ करें और बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम वापस आ चुके हैं अपने मेन अकाउंट में और अब मैं बताऊंगा आपको हीरो टैलेंट्स के बारे में। हीरो टैलेंट्स बेसिकली जो आपके हीरो के जो स्टैट्स हैं उनको बूस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप टॉक्सिक शेमन, इसके जो टैलेंट्स हैं यहाँ पर देखिए, सभी पे मैंने निम्बल मूव्स रखे हैं। इससे इनकी इसकी डॉज रेट बढ़ती है। देखिए यहाँ पर डॉज रेट बाई 5%, 5%, 5%, टोटल 15%। मतलब इससे जो होगा आपका जो हीरो है, जो ऐसे अगर हीरो पे अटैक हो रहा है तो ये अटैक्स को डॉज करने की जो एबिलिटी है वो है ये डॉज रेट। मतलब जो हीरोज़ के अटैक है वो इसको मार नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 15% अटैक रेट, डॉज रेट सॉरी यहाँ पर है। और एनचेंट्स में देख सकते हैं इसके, जैसे कि यहाँ पर भी ये देखो डॉज रेट लिखी है तो यहाँ से 22% और है। तो ऐसे कर करके आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो डॉज रेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो मैं बताऊँ आपको अब टैलेंट्स ओपन कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं मेरे इस हीरो में कोई टैलेंट नहीं है इस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का साइन बना है, तो प्लस पे क्लिक करते ही जैसे कि देखिए यहाँ पर 300 जेम्स मांग रहा है ये, और यहाँ से टैलेंट एक इसका अनलॉक हो जाएगा और यहाँ पर रैंडम टैलेंट भी आपको दे देगा ऑटोमेटिकली। जैसे कि यहाँ देखो मैं क्लिक बताता हूँ, ये देखो, ये देखिए यहाँ पर मेरे को ऑटोमेटिकली एक टैलेंट मिल चुका है, लेवल 1 out of 5 हीरो अटैक रेट बाई 5%। तो अगला खोलने के लिए फिर से 300 लगेंगे, ये देखिए, और इसको खोलने के लिए भी 300। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर तीन टैलेंट हो सकते हैं, तो तीनों टैलेंट्स खुल चुके हैं। यहाँ पर देखिए इंक्रीज 0 HP बाई 5%, इसमें क्या है रिड्यूस डैमेज डील टू हीरो बाई 4%। हाँ, ये काफ़ी गुड है इस हीरो के लिए। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप ये, और अगर आपको अगर सेम टैलेंट्स चाहिए, जैसे कि आपको पर्टिकुलर टैलेंट चाहिए जैसे डैमेज के लिए या फिर इसके लिए, तो आपको इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा बार बार। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये सारा से चार्ट जैसा बना है। ठीक है, तो रीसेट करने के लिए आपको शायद 200 ज्वेल्स लगते हैं इसमें, 200 डायमंड्स जो होते हैं, या फिर टैलेंट रिफ्रेशिंग वाले ये कूपन। तो ये आपको कहाँ से मिलेंगे, ये आपको लॉगिन में मिलेंगे। जैसे 30 दिन का जो लॉगिन टेबल है उसमें कहीं ना कहीं पर ये मिल जाता है किसी एक टाइम पे, तो वहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर रीसेट करेंगे तो ये पूछेगा आपको कि भाई यहाँ करना चाहते हो। फिर देखिए यहाँ पर और जितने भी है ये सारे रीसेट होते रहेंगे, तो हर एक रीसेट के लिए आपको 200 ज्वेल्स खर्चने पड़ेंगे यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मेरे को ये रिड्यूस डैमेज यहाँ कुछ नहीं है, रीसेट ये भी कोई अच्छा नहीं है रीसेट। तो ऐसा बेसिकली आपको बार बार रोल करते रहना है बस। इट्स अ बेसिकली अ गैम्बल, जैसे कि आप गैम्बल खेल रहे हो कि भाई हाँ होप कर सकते हो कि आपका जो चाहिए आपको वो 5 out of 5 निकल जाए यहाँ से। तो अभी तो मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है और जो मेरे कूपन थे वो ख़त्म हो चुके हैं। आप देखें यहाँ पर 200 डायमंड्स मांग रहा है फिर से। तो चलिए इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। और उसके बाद आती है ऑप्शन लाइट अप की। लाइट अप से होता है जैसे कि अगर आपको, अगर आपका मेन जो है टैलेंट जो आपको मिल चुका है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर निम्बल मूव्स है 2 out of 5, अगर मान लीजिए आपको 5 out of 5 मिल गया तो यहाँ से आप इसको लाइट अप कर सकते हैं। लाइट अप से किसी एक रैंडम में कोई लाइट अप हो जाएगा रैंडमली कोई भी एक, तो इसका जो लाइट अप करने का जो डायमंड लगते हैं वो बढ़ते रहेंगे। जैसे कि मैं अब दिखाता हूँ आपको, सॉरी यानी यहाँ पर, तो लाइट अप 1 ये देखिए यहाँ पर, जब फर्स्ट टाइम आप लाइट अप करेंगे तो आपके 200 ज्वेल्स लगेंगे, दूसरी बार के लिए 300, तीसरी बार के लिए 400, 500, 600, 700, 800 और आठवीं बार के लिए 900। तो वैसे कर करके ये
लाइट अप होते रहेंगे जब तक आपका नहीं आता। अगर आपका पहली बार में आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, उसके बाद 300 लगेंगे, 400 लगेंगे, तो ऐसे कर करके लगते रहेंगे। अच्छा फेवर, हाँ फेवर भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें, जैसे मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप नीचे की, ये देखिए मेरे बार जैसी बनी है फेवर की, ठीक है। तो ये बेसिकली जैसे कि आप रीसेट करते रहेंगे तो आपको थोड़ा बहुत फेवर मिलता रहेगा, जैसे कि 5 या 10, कभी कभी 15 भी मिल जाता है। तो जैसे ही अगर एक बार 1000 हो जाएगा तो आप अपने मर्ज़ी से कोई भी एक टैलेंट इस हीरो के लिए ले सकते हैं। तो इसमें कोई चॉइस नहीं है, आपको सारे ही मैक्स होंगे, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि टैलेंट्स कौन कौन से हैं, कितने टाइप के टैलेंट्स हैं। तो फिर से आ जाते हैं इस पेज पे, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप फेवर बता रहा है। देखो जैसे फेवर होगा तो ऐसा डायलॉग बॉक्स ऐसा खुल जाएगा आपका, यहाँ से आप देखो सारे मैक्स टैलेंट्स जो हैं वो दिखा रहा है। तो मैं बताता हूँ कौन कौन से टैलेंट्स हैं, स्क्रॉल डाउन, ये देखिए ये सारे टैलेंट्स हैं। जैसे कि टैलेंट का नाम है अमेजिंग ग्रेस, इससे क्या होता है, इंक्रीज HP ऑफ हीरो ट्रूप्स बाय 2% to 16%, ये ज़्यादा खास नहीं है। आर्ट ऑफ वॉर इंक्रीजेज ट्रूप्स और हीरो लीड बाय 1 to 3, ये भी ज़्यादा काम का नहीं है। बैटल फीवर इंक्रीज हीरो अटैक बाय 2 to 8%, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है अटैक, ठीक है। और ब्लेस्ड वेपन्स इंक्रीज हीरो डैमेज बाय 2 or 8%। सो आई बेसिकली लाइक हीरो डैमेज इंस्टेड ऑफ हीरो अटैक, क्योंकि हीरो जो अटैक है वो डॉज हो सकता है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं डॉज रेट है, पर हीरो डैमेज होता है, तो ओवरऑल डैमेज जो हीरो करता है वो यहाँ से बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, पर अलग अलग चॉइस होती है सभी बंदों की। ब्लेसिंग डाउन विन इंक्रीज हीरो अटैक रेट बाय 1 to 5%, अगेन वेरी गुड टैलेंट, ठीक है। उसके बाद है कास्ट आयरन इंक्रीज हीरो HP बाय 2 to 8%, इट इज़ आल्सो वेरी गुड। चार्म कर्टन रिड्यूस डैमेज डील टू हीरो बाय 2 to 8%। और फेटल स्ट्राइक इंक्रीज हीरो क्रिट रेट बाय 1 to 5%, नाइस। हार्ड बॉडी इंक्रीज हीरो HP बाय 804,000, ना इट्स नॉट वेरी गुड। किलिंग टैलेंट इंक्रीजेज हीरो क्रिट रेट बाय 2 to 10%, वेरी गुड। और मॉर्टल बूस्ट इंक्रीजेज अटैक ऑफ हीरो ट्रूप्स बाय 2 to 16%, ये ज़्यादा खास नहीं है। निम्बल मूव्स, ये जो है मैंने कई हीरोज पे लगा रखा है, ये निम्बल मूव्स इंक्रीज हीरो डॉज रेट बाय 1 to 5%, ठीक है। और यहाँ पर जो आप नंबर देख रहे हो ये इसका मैक्स लेवल है, जैसे कि इसका 8 लेवल मैक्स है, इसका 5 लेवल मैक्स है। स्टील बॉडी हीरो क्रिट रेजिस्टेंस बाय 1 to 5%, ओके। और अनवेवरिंग फोकस इंक्रीज हीरो हिट रेट बाय 1 to 5%, अगेन वेरी नाइस। विल टू फाइट इंक्रीजेज हीरो अटैक बाय 40 to 280, नॉट वेरी गुड। तो ये सारे थे आपके टैलेंट्स। तो हर एक हीरो पे अपना एक अलग अलग टैलेंट होता है, तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से हीरो पे कौन सा टैलेंट बेस्ट रहेगा। तो स्टे ट्यून फॉर दैट, और दैट्स ऑल अबाउट द टैलेंट्स, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग से, जैसे आपने अगर अपने 5 हीरो मेन 5 हीरो जो है सेलेक्ट कर लिए हैं, तो उनके टैलेंट्स आप जल्दी से जल्दी मतलब खोलें और उनको उनके जो स्टैट्स है वो बूस्ट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। जिसके यहाँ देख सकते हैं आप इसके मैंने टैलेंट्स रखे हैं, ये देखिए इधर देखिए, इसके अभी हुए नहीं है, पेन गोली ब्रोजिया इज नेक्स्ट, उसके बाद इसका अभी मैंने किया नहीं है। इसके ब्लेस्ड वेपन्स ठीक है, क्या बोल गया इधर, इसके भी ब्लेस्ड वेपन्स। तो दैट वाज बेसिकली इट, होप यू लाइक द वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।